नमस्कार दोस्तों, आज की टॉप 10 हेडलाइन लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज पर 2 जून से काम शुरू कर दिया है, जिनमें हमें शाहरुख खान और उनके साथ रणवीर सिंह और रणवीर कपूर का भी कैमियो शुरू हो गया है, जो कि जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी। नंबर दो, अजय देवगन गुजराती मूवी बस की रीमेक करने जा रहे हैं, जो इसके लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके डायरेक्टर होंगे विकास बहल और इसमें लीड रोल में हमें अजय देवगन देखने को मिलेंगे। इनके साथ हीरोइन की अभी पक्की नहीं हुई है और इस मूवी की शूटिंग जल्द ही चालू हो जाएगी और यह हमें 2024 तक देखने को मिल जाएगी। नंबर तीन, अपने सुपरस्टार यश यानी रॉकी भाई की KGF 2 और KGF 1 जापान में रिलीज होने जा रही है। हम आपको बताते हैं कि यह जापानी भाषा में बिल्कुल डबिंग होकर तैयार है और KGF 1 और KGF 2 दोनों ही मूवी एक साथ जाएंगी, जो कि अच्छे रेटों में बिकेगी। हम आपको बताते हैं कि यह जापान में 14 जुलाई से रिलीज होने की खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि RRR भी अभी जापान में चल रही है, जो कि जिसको 1 साल हो गई है। अब देखना यह होगा कि यह KGF कितना कमाएगी। नंबर फोर, आदि पुरुष ने अपने बजट के 85% कमाई कर ली है, रिलीज से पहले ही कर ली है। हाँ जी, हम आपको बता दें कि आदि पुरुष के सारे राइट्स बिके हैं, जो कि 432 करोड़ में बिके हैं। हम आपको बता दें कि ये सारे राइट्स एक जगह से ही नहीं आए हैं। नंबर फाइव, कार्तिक आर्यन की सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर आज आउट हो गया है। हम आपको बता दें कि यह ट्रेलर 5 जून 11 बजे रिलीज हो गया था और इसमें हमें कार्तिक आर्यन एक घर परिवार यानी मिडिल क्लास के बंदे लग रहे हैं। इनमें दोनों की लव स्टोरी बहुत ही तगड़ी लग रही है और यह मूवी 29 जून को थिएटरों में आने वाली है। अब देखना यह होगा यह फ्लॉप होगी या ब्लॉक। नंबर सिक्स, विक्की कौशल और सारा अली खान की मूवी जरा हटके जरा बचके अभी बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठा रही है। हम बता दें कि आज की कमाई उसकी 9.90 करोड़ थी और इसका अभी तक का ही टोटल कलेक्शन 22.59 करोड़ हो गया है। और हम आपको बता दें कि यह कुल 44 करोड़ बनी थी और इसकी कमाई ने फैंस के साथ साथ मेकरों को भी खुश कर दिया है। अब देखना यह होगा कि यह हिट होगी या ब्लॉकबस्टर। अक्षय कुमार अपनी मूवी संक्रा की शूटिंग हमें दिल्ली में करते हुए दिखे हैं। हाँ जी, हम आपको बता दें कि उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो पुरानी दिल्ली की गलियों में नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यह मूवी हमें जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने अक्षय कुमार 35 दिन में मूवी खत्म। नंबर एट, प्रभास सर की सलार मूवी को लेकर एक बिग अपडेट आई है। उन्होंने सलार की टीजर को डबिंग करने के लिए भेज दिया है। हम आपको बता दें कि यह ट्रेलर 1 मिनट 31 सेकंड का होने वाला है और यह हमें 16 जून को देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि 1 मिनट 31 सेकंड में क्या होगा। नंबर नाइन, देखिए गाइज, द केरला स्टोरी ने शनिवार को 1.50 करोड़ की कमाई की थी और संडे में उसे ग्रोथ देखने को मिली है। संडे में उसने 2.50 करोड़ की कमाई की है। और बात करें इंडिया में इसकी टोटल कलेक्शन की, तो इसके इंडिया में टोटल कलेक्शन है 232 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 292 करोड़। और आज यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।